अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी होंगे और खैरियत से होंगे। तो भाई अभी जो है दोपहर हो रही है और गर्मी भी काफ़ी हो रही है, पर कोई बादल वादल नहीं है, हल्के फुल्के से आए हुए, लेकिन ये धूप नहीं निकली भी, सूरज छुपा हुआ है। बाकी ये हमारी तरफ जो है वैसे बारिश हो ही नहीं रही थी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन कल रात को जो हो रही थी ना बूंदाबांदी, उससे ज़्यादा थोड़ी तेज़ हो गई थी बारिश। तो मौसम सुबह के टाइम काफ़ी ठंडा हो गया था, लेकिन अब वापस से हुई गर्मी, पसीना आ रहा है। बाकी मैं अभी माइक भी नहीं लगाया हुआ, हो सकता है आपको मेरी आवाज़ सही से समझ ना आ रही हो। बाकी यार यहाँ पे गर्मी भी इतनी हो रही है, पौधे सारे सूखे हैं, मुरझा रहे हैं सारे पौधे। हालांकि पानी को हम दो टाइम दे रहे हैं, यह पता नहीं मसला क्या है, या हो भी सकता है यार ये बिल्लियाँ हमारी जो है ना पेशाब कर देती हैं पौधों में आके, हो सकता है उसकी ऐसे भी मसला और हो, क्योंकि यार बिल्लियाँ पेशाब करती हैं ना पौधों में, तो फिर पौधे ख़राब हो जाते हैं। पॉटी करते हैं मसला नहीं, लेकिन पेशाब कर देती हैं ना फिर उसमें बहुत मसला होता है। बाकी हमारी जो दो बत्तख कुड़क हुई थी, एक तो अपना कुड़कपन तोड़ के वहाँ भाग गई, वो कचरे में खा रही है, ये एक बैठी हुई और इस इन माशाल्लाह ने भी पता नहीं इनमें से निकलते भी हैं। अब सिर्फ जो है ना हमने इसके नीचे रखे थे 3 बफके अंडे और 5-6 जो है वो उसके थे बत्तख के अंडे, जिनमें से सिर्फ बत्तख के अंडे बचे, वो भी सिर्फ 3, बाकी सारी जो है ना ये तोड़ फोड़ के खा गई हैं अंडे। ये मानिए नहीं तंग कर रहा भाई, नहीं तंग कर रहे तो फुल मान लिया मुन्नू, और ये हमारे बुद्धे साहब भी आ रहे हैं यहाँ पे। बाकी सारे अंडे जो है ना तोड़ फोड़ के खा गई, पागल जाएंगी। बाकी इनमें ये अंडों की भी हमने कैंडलिंग की थी मैंने, तो उनमें भी मुझे एक के अंदर ही नसें दिखी थी, बाकी 2 में तो कुछ नहीं दिखा, हो सकता है ख़राब हो गए वो। बाकी यार यहाँ हमारे घर पर ना 2-3 दिन से रोज़ाना हम मेरी अम्मी सुबह उठती ना, मेरा छोटा भाई मदरसे जाता है, उसको नाश्ता देने के लिए उठती हैं, तो किचन में जाती हैं, देखती हैं सारा डस्टबिन पड़ा ज़मीन पे गिरा हुआ है, कचरा थोड़ा सा बाहर गिरा हुआ होता था, हमें ये था कि रोज़ शायद चूहा आता होगा रोज़ाना गिरा देते हैं, तो हम एक दिन जो है नहीं एक दिन नहीं कल परसों भी हमारे यहाँ दावत हुई थी, तो जब दावत ख़त्म हुई तो हम लोग ऐसी कमरों में आ गए थे, फिर थोड़ी देर बाद मुझे किचन में कुछ आवाज़ आई, फिर मैं किचन में गया देखा तो ये मोहतरमा घुसी होती थी रोज़ाना किचन में आके, और सब डस्टबिन वगैरह सब यही गिराती थी, चूहा कोई नहीं था, चूहा भी मेरी ये बात सुन के बोल रहा होगा मैंने तुम्हारे क्या बिगड़े हैं। चारे चूहे पे मैंने इल्ज़ाम लगा दिया, फिर ये थी वो रिजल्ट, और ये हमारे डायग्राम की खिड़की है, वहाँ से फलांग के अंदर आ जाती थी बदतमीज। बाकी यार अभी हम अंदर अपने मास्टर के केज में, भाई अभी मोबाइल छुट के गिरता हूँ उससे, खैर अभी हम अपने मास्टर केज में गिरते हैं। यार बाकी आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, पहले ये बोल ले, पसंद भी करते हैं आप लोग मेरी वीडियो, लेकिन यार फिर भी पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, कर दिया करें यार सब्सक्राइब, और यार बाकी लाइक भी कर दिया करें, इससे मुझे खुशी होगी और हिम्मत बढ़ेगी मेरी, ताकि मैं और वीडियो बनाता रहूं और अच्छे कंटेंट लाता रहूं, फिर कंटेंट जितना भी अच्छा होगा फिर आप लोग उसमें थोड़ा मज़ा आएगा। तो बस ये इसको देखें ये टंकी के नीचे घुस रहे हैं, टंकी के नीचे ना बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी हैं, इनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये फंस गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी अंदर से, क्योंकि यार अंदर सारा कचरा भरा हुआ है, उसको निकालूं कैसे मैं, क्योंकि पहले भी यहाँ पे एक बिल्ली ने बच्चे दे दिए थे अपने, और वो बिल्ली 7 घर बदलती है ना, तो उसने जब घर बदला एक वो बिल्ली के बच्चे का पाँव वहाँ खोने में फंस गया था, वो भी छोड़ के चले गए इसको, फिर हमने निकाला था लेकिन वो फिर मर चुका था। तो बस दोस्तों हमारी आज की छोटी सी वीडियो ही थी, और आपको आज की वीडियो अच्छी है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी और व्लॉग्स में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कभी कभी बड़ा मजबूत
भूल जाता है, चाके बिना कुछ कर नहीं पाता है। समझ सकता नहीं, और तू ही नहीं, कोई नहीं समझ। जिस बंदे पे बीत रही है ना, सिर्फ वो बंदा समझ सकता।